गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है और इसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक। तो संघर्ष काल यह वह समय था जब लगातार भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे और विदेशी आक्रमणों का भारतीय राजा जो उस समय के थे वो वीरतापूर्वक मुकाबला कर रहे थे। तो इसी क्रम में जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण हुआ था 636 ईस्वी में, और यह आक्रमण कहां पर हुआ था? यह आक्रमण ठाणे पर हुआ था। ठाणे कहां पर? मुंबई। ठाणे कहां पर है? मुंबई में। यह जो आक्रमण था, इस आक्रमण को तत्कालीन राजाओं ने विफल कर दिया था। तो भारत में पहला जो आक्रमण किया गया था विदेशी आक्रांताओं के द्वारा वो कब किया गया था? 636 ईस्वी में। कहां पर किया गया था? ठाणे। ठाणे कहां पर है? मुंबई में। लेकिन ये आक्रमण विफल हो गया था। अब ये जो आक्रमण हुआ था इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था उतू अल बुल्तान, और इस पुस्तक के लेखक थे बेटा बालाधुरी। तो बालाधुरी की इस पुस्तक के से हमें यह ज्ञात होता है कि ये 636 में आक्रमण हुआ था ठाणे पर। इसके बाद एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा पुस्तक के लेखक थे अली अहमद, और अली अहमद की चचनामा पुस्तक का अध्ययन करने के बाद भी हमें बहुत से उस समय जो आक्रमण हुए उनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे क्रम से दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत का जो समय था 1206 ईस्वी से लेकर के तथा 1526 ईस्वी तक के समय के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। 1206 से लेकर के 1526 तक भारतीय इतिहास में हुई तमाम घटनाओं के बारे में, तमाम युद्धों के बारे में हम क्रम से अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी बेटा। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और कब की थी? 1206 ईस्वी में। तो एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने या कहें कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, लेकिन प्राचीन समय की बात करें तो उस समय या बात करें 1206 के समय लाहौर जो था या पाकिस्तान जो था वो भी भारत में ही सम्मिलित था। तो लाहौर में अपना एक स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य अभिषेक करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी इसने और कब की थी? 1206 ईस्वी में। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू करवाया था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी जिस कारण से कुतुब मीनार का कार्य पूरा नहीं हो सका, उसका निर्माण नहीं हो सका, और कुतुब मीनार का जो शेष भाग था उसका कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में लाख बक्स भी कहा जाता है। लाख बक्स अर्थात 1 लाख जो सिक्के उस समय चलते थे, 1 लाख जो दिनार चलती थी वह बक्सीस के रूप में यह दे दिया करता था यदि किसी पर प्रसन्न हो जाता था तो। तो इसलिए इसे इतिहास में लाख बक्स भी कहा जाता है। एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाख बक्स इसे कहा गया या लाख बक्स किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में और भी अध्ययन करें तो 1210 ईस्वी में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो एक एक नंबर के महत्वपूर्ण
को आप अच्छी प्रकार से याद करेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू करवाया था, किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, लाहौर को। शासन कब से कब तक रहा, 1206 से लेकर के 1210, मात्र 4 वर्षों तक। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है तथा यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवाया था। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का जो शेष कार्य था उसको पूरा करवाया था और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं बल्कि किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को। तो एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को। तो बेटा इसको आप अंडरलाइन करेंगे बुक में। इसके बाद नंबर 3 पर अध्ययन करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर क्रम से देखें तो नंबर 3 पर बैठने वाली जो महिला शासिका थी या प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी उसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठी है। एक शासक के रूप में यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, इसके बारे में केवल इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद है बलबन। तो बेटा बलबन जो 1265 से लेकर के और 1296 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1265 ईस्वी में सिंहासन को इसने संभाला और अपना एक जो साम्राज्यवाद की एक जो नीति थी वो इसने अपनाई। बहुत से युद्ध भी किए और बलबन के बारे में और भी बात जानने का प्रयास करें तो मंगोलों का सामना करने के लिए इसने एक सैन्य विभाग पुनर्गठित किया था और जिस सैन्य विभाग का नाम था दीवाने आरिस। पुनर्गठित अर्थात फिर से इसका गठन किया था, किसका, दीवाने आरिस, जो एक सैन्य विभाग था। इसी प्रकार से इसने अपने दरबार में एक नई प्रथा शुरू की थी जिसका नाम था सिजदा और पाबोस। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस नामक प्रथा किसने शुरू की थी, तो यह प्रथा बलबन ने शुरू की थी। यह प्रथा थी क्या, अर्थात सम्राट के समूह का आधार सम्राट के सामने झुक करके उसके पैरों को चूमना, और यही प्रथा क्या कहलाती थी, सिजदा या पाबोस। इसी प्रकार से इसने लोर रक्त की नीति अपनाई थी। लोर रक्त की नीति से तात्पर्य है या कहें एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी, तो यह बलबन ने अपनाई। दूसरी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त और लोह की नीति से क्या तात्पर्य है, तो रक्त और लोह की नीति से तात्पर्य है कि इसमें विद्रोही जो पुरुष होते थे उन्हें मार दिया जाता था और महिला तथा बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। इतिहास में बलबन का राजत्व सिद्धांत भी प्रसिद्ध रहा है और यह राजत्व सिद्धांत क्या था कि बलबन स्वयं को अर्थात अपने आप को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसका कहना था कि ईश्वर ने उसे राज करने के लिए भेजा है कि प्रजा के लोगों मुझे ईश्वर ने भेजा है तुम्हारे ऊपर राज करने के लिए, और यही क्या था बलबन का राजत्व सिद्धांत, वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। तो आज इतना ही हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से आप ही
इनको एचडब्ल्यू की कॉपी में नोट करेंगे या पीडीएफ के माध्यम से जो नोट्स आपके पास भेजे जाएंगे उनको आप नोट करेंगे तो सरलता भी होगी, क्योंकि उसमें आप अच्छी प्रकार से उनको देख करके नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।